अभी ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस टिप के लिए मुझे कितनों ने बोला, मेरे पास पिछले वीडियो में कमेंट भी आए, उन लोगों ने बोला कि दीदी मैं नींबू रगड़ती हूँ और साबुन से हाथ साफ करती हूँ, पीवी स्टोन से छुड़ाती हूँ, पर कुछ नहीं होता, आलू से जो दाग होते हैं वो निकलते ही नहीं है। तो आप प्लीज कोई ऐसी टिप जरूर बताइएगा जिससे हमारे काम आ सके। तो मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ, आलू को छीलने से लेकर आलू का रस हाथों में लग जाए तो क्या करें, कैसे करें कि आलू के दाग हाथों पर लगे ही नहीं। तो आइए चलिए फटाफट से ये टिप देख लीजिए, और टिप अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि जो आलू के दाग लग जाते हैं हाथों पर, उनको छुड़ाने का क्या उपाय है, तो मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ। ये आलू शुरू हो चुके हैं सर्दियों में, ये आलू मिलते ही मिलते हैं और हमें इन्हें खाना भी पड़ता है। तो इन आलू को छीलने से पहले हम क्या करेंगे कि अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, मतलब अच्छे से अपने हाथों पर आप तेल लगा लें जहाँ कि आपको लग सकता है कि ये दाग लग सकता है हाथों पर। और उसके बाद से हम इस आलू को छीलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और जाहिर सी बात है कि ये आलू हम नाइफ से ही छीलते हैं, इसके लिए बहुत से कम ही लोग होंगे जो पीलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आलू होते हैं ये नाइफ से बहुत ही ज़्यादा आसानी से छिल जाते हैं। तो इस तरीके से छील लें। अगर आप ज़्यादा आलू छील रहे हों तो आप तेल का इस्तेमाल बीच बीच में एक आध बार और कर लें, पर अगर आपको दो या तीन आलू ही छीलने हैं तो एक बार तेल लगाए हुए हाथ आपके काम चल जाएंगे ऐसे ही। और मैं आपके साथ ये तीनों आलू छील कर दिखाती हूँ। और तीनों आलू छीलने के बाद भी आप देखेंगे कि मेरे हाथों पर एक भी दाग नहीं है। और इस वीडियो को मैं कहीं भी स्प्लिट नहीं कर रही हूँ, एडिट नहीं कर रही हूँ, ये आपके सामने है जो मैं तीनों आलू छील कर दिखा रही हूँ। चूंकि ये एक रिक्वेस्टेड टिप है तो इसलिए मैं इसे थोड़े बड़ा करके तरीके से दिखा रही हूँ जिसे आप लोग समझ जाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे हाथों पर एक भी दाग नहीं लगा है आलूओं का। और मैं थोड़ा हैंड वॉश कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो पहले भी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पर आलू के दाग एक भी नहीं है, तेल लगाने की वजह से ये दाग बिल्कुल भी नहीं पड़े हाथों पर। फिर भी मैं एक बार हैंड वॉश करके फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, मेरे हाथ मैंने साफ़ करके और कपड़े से पोंछ लिए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे पर किसी पर भी, किसी भी फिंगर पर कोई भी दाग नहीं है किसी भी तरीके का, और आलू भी एकदम अच्छे से साफ़ हुए हैं। तो बस इन्हें धुलेंगे, काट लेंगे। तो ये आलूओं की टिप आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसके रस से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो आप भी ये टिप अपनाइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू दोस्तों। स्टील के बर्तन हम सब के घर में होते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो हमेशा चमकते से रहें, उसके लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास स्टील की तीन या चार कढ़ाइयाँ हैं और मैं सबको एकदम स्क्रैच फ्री रखती हूँ। कैसे रखती हूँ आपको दिखाती हूँ। आप मेरी सारी कढ़ाइयाँ एकदम अच्छे से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इन पर कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको जब सब्ज़ी बनानी है तो आप हमेशा सिलिकॉन का स्पैटुला यूज़ करें या फिर वुडन स्पैटुला यूज़ करें। और अगर आपके पास दोनों ही स्पैटुला नहीं है तो मैं स्टील के स्पैटुला को कैसे इसमें चलाएं वो भी तरीका आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने इसमें सब्जी बनाई, आप सब्जी बना रहे हैं, आपको सब्जी चलानी है, तो आप ऐसे ऐसे ना करें, इस तरीके से सब्जी को ना चलाएं। आप इस तरीके से जब मसाला चलाएं तो इसके इस पार्ट से और मसाले को भूनेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो आप देखेंगे कि कढ़ाई में एक भी स्क्रैच नहीं आया है। साथ ही सब्जी भी चलानी आसान होती है, सब्जी अगर आपको चलानी भी है और इस तरीके से आपको चलानी भी है तो आप एकदम हल्के हाथों से और सब्जी को इस तरीके से उलट पलट करें, मसाले को आप ऐसे ऐसे भूनें और फिर आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपकी सब्जी बन जाती है स्टील स्पैटुला से भी, स्टील के स्पून से, और कढ़ाई में भी बिल्कुल स्क्रैच नहीं आता है। आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं हमेशा स्टील के स्पैटुला से जो है सब्जी बनाती हूँ, वीडियोस में आपको दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई एकदम स्क्रैच फ्री है, कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है। मैं सारी कढ़ाइयाँ आपको दिखा रही हूँ, सारी कढ़ाइयाँ स्क्रैच फ्री हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों तरीके से स्पैटुला का यूज़ करके, किसी भी तरह के स्पून का यूज़ करके, और जो है अपने स्टील के बर्तनों को हमेशा के लिए सेफ रख सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उसी टाइम में हमें खाना भी बनाना होता है, लहसुन भी छिलना होता है, प्याज भी कटिंग करने होते हैं। तो जब भी आप प्रेशर कुकर को चढ़ाएं, ढक्कन सही हुए, और आप उसमें कुछ भी बना रहे हों
और आपको लहसुन भी छिलना है, तो लहसुन छिलने की एक बहुत आसान सी ट्रिक आपको बताती हूँ कि प्रेशर कुकर के ऊपर इस तरह से लहसुन कहीं भी रख दें, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो, जहाँ भी आपके कुकर की भाप लहसुन को लग जाए, तो इस तरीके से रख देंगे। और जब तक प्रेशर कुकर चल रहा है तो लहसुन को इसी तरह से टिका कर छोड़ दें, और उसके बाद आप लहसुन को देखेंगे तो लहसुन के छिलके एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और लहसुन बहुत ही आसानी से छिल जाता है। तो इस तरीके से लहसुन छिलने का ये तरीका आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आप ये तरीका ज़रूर अपना कर देखिएगा। दोस्तों सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन में जब भी हम गोभी की सब्जी बनाएं तो उससे पहले एक काम करें कि गोभी को अच्छे से काटने और मतलब निकालने के बाद, डंठल से अलग करने के बाद, आप इस तरह से गर्म पानी में डाल दें गोभी के फूल को, और इसमें डाल दें थोड़ी सी हल्दी और साथ ही डाल दें थोड़ा सा नमक। इसके बाद से इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद से जो गोभी में कीड़े होंगे वो पानी के ऊपर तैर कर ऊपर आ जाएंगे, अगर कोई कीड़ा छूटा भी है तो वो पानी में ऊपर आ जाएगा, और आप गोभी को अच्छे से वॉश करके फिर सब्जी बनाइए तो हमारी गोभी एकदम जर्म फ्री हो जाएगी, और मतलब जैसे जैसे सब्जी बनाएंगे तो कोई भी कीड़ा छुपा होने का डर नहीं होगा। तो इस तरीके से ज़रूर ये प्रोसेस करके देखिएगा। दोस्तों मसालेदानी तो आप भी यूज़ करते होंगे और उसमें नमक भी रखते होंगे जैसा कि मैंने रखा हुआ है, तो नमक को सीलन से बचाने के लिए एक उपाय बताती हूँ। साथ ही मसालों में भी इस तरीके से बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। इसके लिए क्या करें कि हमेशा प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करें मसालेदानी में, कभी भी स्टील का चम्मच यूज़ ना करें। एक तो स्टील के चम्मच में नमक की वजह से जंग लग जाती है, चम्मच खराब हो जाता है। दूसरी, नमक के जो है डिब्बे में गांठें पड़ सकती हैं। अभी तो ये सीधा नमक है इसलिए आपको ऐसी गांठें दिख रही हैं, पर नमक के डिब्बे में अगर स्टील के चम्मच थोड़ी भी गीली होगी तो उससे इसमें गांठें पड़ सकती हैं और आपका मसाला भी खराब हो सकता है। तो नमकदानी में ध्यान रखें कि हमेशा आप प्लास्टिक के चम्मच का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों आज की मेरी एक खास टिप्स है रायता बनाने को लेकर। हम लोग जब भी रायता बनाते हैं तो उसमें पिसा हुआ पुदीना, पिसा हुआ जीरा या फिर पिसा हुआ हींग वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं, पर आपको रायता बनाने की एक खास टिप्स बताती हूँ। आप जब भी रायता बनाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ का रायता हो, जैसे कि अभी मैंने बथुए का रायता बनाया है, तो बथुए का रायता में के लिए मैंने एक ट्विस्ट किया है जिसमें मैंने तेल में हींग और फिर जीरा डाला है तड़के में, और जब हींग जीरा अच्छे से तड़क गए हैं तो मैंने क्या किया कि गैस को बंद कर दिया, और जब तेल अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो गया तब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इससे क्या होगा कि तेल में मिर्च का कलर बहुत ही शानदार आ जाता है, और इसके बाद से इस हींग जीरे वाले तेल को हम रायते में ऐड करेंगे ऊपर से। यहाँ पर मैंने कोई भी पिसा जीरा पिसा कुछ भी ऐड नहीं किया है, और इस तरीके से जब मैंने रायता बनाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार रायता बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा। दोस्तों हम सभी अपने अपने घरों में मिर्ची धनिया हर चीज़ का स्टोरेज करते हैं, और उसके लिए न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, और टिश्यू पेपर काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय बताती हूँ कि आप ले लें इस तरह के कॉटन के हैंकी जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल, साथ ही आप इसको धुल कर कई बार यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह के सूती अगर आपके पास घर में धोती हो तो आप इस तरह के शीट्स काट कर रख लें, जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ नॉर्मल साइज़ के शीट्स काट लें। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि मेरे फ्रिज का जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें भी मैं सूती कपड़े में ही लपेट कर इस तरह से मिर्ची वगैरह स्टोर करती हूँ। तो हर ऑर्गेनाइज़र में मैं एक कॉटन की क्लॉथ बिछा देती हूँ, और किसी में धनिया, किसी में अदरक, किसी में मिर्ची इस तरीके से स्टोर करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो है फालतू पैसा बचता है, जो भी हम टिश्यू पेपर में यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर महंगा भी आता है और एक बार के यूज़ के बाद वो ख़राब भी हो जाता है, साथ ही जब वो नम हो जाता है तो हमें उसे चेंज भी करना पड़ता है। पर कपड़े में क्या होता है कि जब तक आपकी मिर्ची खत्म नहीं होगी कपड़ा भी चलता रहेगा, और जब मिर्ची खत्म हो जाए तो आप एक बार कपड़े को सर्फ वाले पानी से या फिर नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से धुल कर वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े से हम टिश्यू पेपर के पैसे बचा सकते हैं। तो आप लोग भी अपने किचन में इस उपाय को ज़रूर अपना कर देखिएगा। दोस्तों सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों में जब भी आप कोई भी इस तरह की सब्जी पकाएं, जैसे कि गाजर मटर है, तो इसके लिए आपको एक टिप्स बताती हूँ। इन सब्जियों में आप थोड़ा सा इस तरह से शुगर ऐड कर दें, इससे क्या होगा कि सब्जी का जो नेचुरल फ्लेवर है वो हमेशा बरकरार रहेगा, मतलब पूरी सब्जी में ना ही इनका कलर जाएगा, ये एकदम ग्रीन रहेंगे, गाजर एकदम रेड रहेगी, और जो फ्लेवर होता है गाजर और मटर का वो एकदम बरकरार रहेगा। तो आपको एक बढ़िया सी एकदम टेस्टी सी सब्जी बनकर मिलेगी। तो इस टिप्स को ज़रूर आप अपना कर देखिएगा। फ्रेंड्स अगर आप भी क्रॉकरी की चीज़ें धुलने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये टूट सकती हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया टिप बताती हूँ। इसके लिए आप अपने सिंक में पहले इस तरीके से ये जो टॉवल मैंने बिछाया है, इस तरीके का मोटा टॉवल बिछा लें, और फिर उसके बाद से कांच या क्रॉकरी के बर्तन धुलें। तो इससे जो कांच के बर्तन होते हैं या क्रॉकरी के बर्तन होते हैं उनके टूटने की संभावना एकदम कम सी हो जाती है। और बिल्कुल सावधानी से धुलिए, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। और टॉवल बिछा कर धुल कर फिर टॉवल को अलग रख दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार टिप्स? ये सारे टिप्स अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।